आज हम 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो ये इसमें आपको गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करें, जिस तरह से हमने दूसरे चैप्टर में करे थे शून्य ज्ञात, उसी तरह से कर रहे हैं मूल ज्ञात। बहुपद और द्विघात समीकरण में फर्क क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो होता है सिर्फ इतना होता है उसमें इक्वल में कुछ नहीं होता, लेकिन जो द्विघात समीकरण होते हैं उसमें इक्वल में क्या होता है? जीरो होता है, बराबर में जीरो होता। बहुपद में हमने पढ़ा था कि बराबर में जीरो नहीं था, बहुपद सिर्फ इतना था ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जबकि द्विघात समीकरण में क्या जाता है, ये बराबर में जीरो हो जाता है। ठीक, तो ये दोनों में अंतर है थोड़ा सा। बाकी जो उसके शून्य कहे जाते हैं हम शून्य निकालते हैं, यहां पर कहा गया मूल ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, मूल या शून्य तो ज्ञात करने, द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या कहती है? गुणनखंड विधि कहती है कि हम पहले और तीसरे गुणा करते हैं, जैसे कि वहां करी थी, यहां पर 10 है और यहां पर 1 है, तो 10 एकम कितना हो गया? 10, 10 एकम 10, पहले और तीसरे की हमने गुणा कर दी। जब गुणा करें तो 10, हमें दो संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा करें तो 10 आ जाए, और निशान काहे का है? माइनस का। माइनस करें तो बीच वाला आ जाए, बीच में क्या आ जाए? तीन, तीन आ जाए। तो क्या होंगे जिसके टुकड़े? गुणा करें तो 10 और घटाए तो 3। 10 आता है या तो 2 में आता है या 5 में आता है, 5 दूनी 10, और 5 में से 2 गया तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। बचना माइनस का चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, गुणा करेंगे इन दोनों की तो 10 आएगा माइनस का, और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से टुकड़े आपके हो गए। आगे के दो और पीछे के दो में से कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद आगे से क्या कॉमन है दोनों में, क्या है? एक्स। यहां क्या रह गया? एक घात रह गई, और यहां क्या रह गया जी? 5 रह गया। एक्स तो कॉमन चला गया, दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं? दो के में। यहां रह गया एक्स और 2 5 10, ब्रैकेट के अंदर वाले सेम आने चाहिए, सेम ही है तो ठीक है, अगर सेम नहीं आया तो समझ लो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया? एक्स प्लस 2, ये दोनों कॉमन ले लिया हमने, यहां रह गया एक्स और यहां क्या बचा? ये दो ब्रैकेट हो गए, इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों को 0 रख लेते हैं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। माइनस का 5 उधर जाएगा, क्या हो गया जी? प्लस का हो गया, और प्लस का 2 उधर जाएगा, क्या हो गया? माइनस का 2। ये आपके दो क्या हो गए? मूल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया आपके? दो मूल हो गए, या तो ये है मूल या फिर ये है मूल। ठीक, इतना ही करना है, आगे देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट कहता है जी 2x² प्लस का x और माइनस का 6 बराबर 0, ये है। तो गुणा करते हैं पहले और तीसरे की, पहले और तीसरे गुणा करते हैं तो 2 6 हो गया माइनस का 12, कितना हो गया? 2 6 माइनस का 12, यानी कि गुणा करें तो 12, दो संख्या हमें ढूंढनी है जिनकी गुणा करें तो 12 और निशान काहे का? माइनस का। माइनस करें तो बीच वाला, बीच में क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। गुणा करें तो 12 और घटाएं तो 1 आ जाए, तो किस पहाड़े में आता है जी? 12, 4 3 आता 12, आता तो 2 6 12 भी है, लेकिन 2 और 6 में 1 का अंतर नहीं है, 4 3 12, और 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 1, क्योंकि घटा के चाहिए हमें बीच वाला,
बचना यहाँ पर प्लस का चाहिए, काय का चाहिए प्लस का, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी वो काय की होगी प्लस की, ठीक है जी। चार तिया 12, चार में से तीन गए तो कितना बचेगा प्लस का एक बचे, माइनस का छह से बराबर में जीरो। आगे के दो और पीछे के दो में कॉमन ले लेते हैं, कौन से पहाड़े में आते हैं दोनों, दोनों आते हैं दो के पहाड़े में, दो और एक्स भी है दोनों में, यहाँ रह गया एक एक्स रह गया और दो दुनी चार, एक्स तो क्या आ गया कॉमन, पीछे के दो में से क्या कॉमन, तीन के पहाड़ में दोनों आते हैं, यहाँ रह गया एक्स और तीन दुनी छः। जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है, क्या जाता है चेंज हो जाता है, अगर बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो हो जाता माइनस। एक ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट बन जाएगा आपका एक्स प्लस दो और दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा दो एक्स माइनस का तीन, ठीक। अब क्या करते हैं, ये भी जीरो के बराबर या ये जीरो के बराबर, क्योंकि दोनों जीरो के बराबर है, दोनों जीरो कब होंगे, या तो ये पूरा जीरो हो जाए, ये जीरो हो गया तो जीरो से बड़ा करके जीरो हो जाए, या फिर ये पूरा जीरो हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये कुछ भी सही तो क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, जीरो की गुणा करेंगे, या फिर ये जीरो हो गया तो जीरो किससे गुणा करेंगे, तब भी आ जाएगा जीरो, क्योंकि इक्वल में जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अब दो उधर लेके उठा के काय का हो गया माइनस का, और तीन लेंगे तो प्लस का, फिर दो कहाँ जाएगा, गुणा वाली चीज कहाँ जाती है भाग में, इस तरह के आपके दो शून्य आ गए, या तो माइनस का तो या तीन बटे दो, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट आपका कहता है दो ए रूट दो एक्स स्क्वायर प्लस का सात एक्स और प्लस का सात रूट दो बराबर में जीरो, ये है जी आपके पास थर्ड पार्ट। तो हम इसमें पहले और तीसरे की गुणा करेंगे, यहां पर है रूट दो, यहां पर है सात रूट दो, सात रूट दो की अगर रूट दो से गुणा करूं तो कितना आएगा, रूट दो की रूट दो से करेंगे तो आएगा, क्योंकि रूट के अंदर एक जैसे होते तो एक ही संख्या आती है, रूट दो की रूट दो से करी दो आ गया, और दो सत्ते कितना हो गया चौदह, सॉरी क्वेश्चन में गड़बड़ है, पांच रूट दो, तो ये आपका है पांच रूट दो, रूट दो की रूट दो से करेंगे कितना जाएगा आपका दो हो जाएगा, पांच ये है ही, पांच दो कितना हो गया दस, यानी गुणा करें तो आपको दस चाहिए और जोड़े तो आपको बीच वाला, तो गुणा करें तो हमें दस चाहिए और जोड़े तो सात चाहिए, तो अभी करें तो थोड़ी देर पहले पांच दुनी दस, पांच और दो कितने आएंगे सात, गुणा करें तो दस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो सात आ जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएंगे जी इसके टुकड़े, दो एक्स स्क्वायर प्लस का पांच एक्स और प्लस का दो एक्स और ये पांच रूट दो, ऐसी रहे टुकड़ों के बीच वाले जी। अब हमें कॉमन लेना आगे के दो और पीछे के दो, यहां तो हमें कॉमन दिखाई दे नहीं रहा क्योंकि पांच और दो का कुछ हो नहीं सकता इस, लेकिन रूट दो को, इस दो को देखिए, इस दो को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ दो बार रूट दो रूट दो, और ये एक्स ऐसे ही प्लस है पांच रूट दो बराबर में जीरो। हम जानते हैं क्योंकि एक जैसे जब रूट के अंदर होते हैं तो एक ही संख्या आती है रूट से बाहर निकलकर, आप क्या ले ले आगे के दो और पीछे के दो में से कॉमन, कुछ एक्स कॉमन है सिर्फ एक्स ले लिया, यहाँ कितना बचा रूट दो, यहाँ बचा एक्स और यहाँ क्या बचा पांच, इन दोनों में क्या कॉमन है जी रूट दो, रूट दो यहाँ पर भी है रूट दो यहाँ पर भी है, तो क्या बचा रूट दो एक्स और यहाँ क्या बचा पांच, ठीक है सेम आए ब्रैकेट वाले सेम आए तो ठीक है, एक हो गया दो रूट दो एक्स प्लस पांच और एक क्या हो गया एक्स प्लस रूट दो। अब क्या करेंगे दोनों ब्रैकेट जीरो के इक्वल, या तो ये जीरो या फिर
ये जीरो, क्योंकि दोनों बराबर किसके हैं, जीरो के, दोनों में जीरो कब होंगे, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। पांच उधर लगेंगे, काय का हो गया प्लस का है तो माइनस का, दो कहाँ जाएगा, गुणा वाली चीज जाती है हमारी भाग, या फिर यहां से निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना हो गया, प्लस का दो है तो काय का हो जाएगा माइनस का रूट दो, या तो ये है मूल इसका, या ये दो मूल है इसके, द्विघात समीकरण है तो जैसे होता है जिस तरह से दो शून्य होते हैं उसी तरह से दो मूल होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता है 2x² प्लस का x माइनस का 1/8 बराबर में 0 माइनस का x, ये है जी आपका। तो पहले बट्टे में है, बिना बट्टे के तो क्या ले लें, पहले इनका एलसीएम लेके सिंपल बनाना है, एलसीएम ले लेंगे कितना जाएगा जी 8, 1 और 8 तो एलसीएम जितना आना है, सिर्फ सीधा सीधा 8 ही आना है, नीचे वाले क्या करते हैं भाग करते हैं 1 से भाग करेंगे 8 आएगा, 8 दुनी 16, नीचे वाले से भाग करते हैं हम ये जानते हैं 1 अट्ठे 8, कुछ नहीं हो जाए, जो भी आता है उसके ऊपर गुणा करते हैं 8 दुनी 16, फिर से 1 से भाग करेंगे तो 8 ही आएगा, 8 के ऊपर गुणा करेंगे तो ये 8x माइनस का निशान, 8 से 8 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 से 8 को भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 1 आया, जो भी होता है उसके ऊपर गुणा 1 एकम 1 बराबर में 0, ये उधर पहुंचा देंगे, ये हो गया हमारे पास 16x² माइनस का 8x माइनस का 1 बराबर में 0, क्योंकि 8 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब गुणा करें तो कितना चाहिए जी, 16 एकम 16, और माइनस करें तो कितना चाहिए 8, सॉरी प्लस का है ये 8। ठीक है, तो जोड़े तो 8, ठीक, गुणा करें तो 16 और जोड़े प्लस का निशान है, जोड़े तो बीच वाला माइनस का 8, जुड़ के माइनस का चाहिए तो जाहिर सी बात है दोनों संख्या क्या रखनी पड़ेंगी, माइनस की, क्योंकि जब माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तभी जुड़ गया, लेकिन निशान काय का रहता है, वो माइनस का ही रहता है। तो बताइए दो संख्या जिनकी गुणा करें तो 16 आता हो, 4 चौक 16, और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 4 और माइनस का 4। ठीक, ये हो गए आपके दो टुकड़े, तो गुणा करें तो हो गया आपका 16, और जोड़ेंगे -4 -4 को तो -8 हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए आगे के दो और पीछे के दो में से, आगे से क्या कॉमन है, कौन से पहाड़े में आते हैं दोनों, 4 के में, और x भी है दोनों, तो यहाँ क्या रहेगा 4 चौक 16 x रह गया, और 4 एकम 4 x तो कॉमन चला गया, पीछे से किसी पहाड़े में आते हैं 1 के में, 1 चौक 4 और 1 एकम 1, जब हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का निशान क्या आता है, चेंज हो जाता है, प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो गया, बराबर में 0, दोनों ब्रैकेट सेम है यानी कि सब कुछ ठीक है, एक ब्रैकेट बन गया हमारा, ये कॉमन ले लिया इन दोनों को, ये बन गया, एक क्या रह गया यहाँ पे रह गया 4x और यहाँ क्या रह गया 1, यहां से भी क्या लिया है हमने कॉमन, 4x-1 इधर भी है, 4x-1 इधर भी, दोनों में से 4x-1 क्या ले लिया कॉमन, यहाँ रह गया 4x और यहाँ रह गया 1, दो ब्रैकेट हो गए दोनों को 0 के इक्वल, ये भी 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, ठीक है, क्योंकि 0 तभी होंगे, या तो ये 0 हो जाए तो पूरे की गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 हो जाए। ठीक, एक को उठाकर तो लेके काय का हो गया प्लस का हो गया, 4 कहाँ जाएगा आपका, गुणा वाली चीज कहाँ जाती है भाग में, या फिर क्या होगा जी, यहां से 1 उधर लेके प्लस का हो गया, या फिर क्या होगा 4 कहाँ जाएगा, गुणा वाली चीज भाग, 1 शून्य 1 1 मूल ये हो गया, और 1 मूल ये हो गया, दोनों मूल क्या है समान है, 1/4 1/4। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका पांचवा भाग। पांच
अच्छा भाग है आपका 100x² माइनस का 2 सॉरी 20x और प्लस का 1। इसमें भी क्या है जी आपका गुणनखंड करिए जी, पहले और तीसरी गुणा करते हैं 100 एकम 100 गुणा करते 100 जोड़े तो माइनस का 20। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जोड़कर माइनस का 20 चाहिए जिस तरह से माइनस का 8 चाहिए था। तो क्या होंगे टुकड़े 10 धाम 100, 10 के 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा और जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन जोड़कर माइनस का चाहिए, जमा का निशान है कोई निशान तो जोड़कर चाहिए बीच वाला, तो 10x और 10x 10 धाम कितना जाएगा 100, माइनस की माइनस से गुणा करते तो क्या आएगा प्लस जाएगा लेकिन जोड़ेंगे तो माइनस, ये हो गया। अब आगे के दो और पीछे के दो में कॉमन ले लेंगे, आगे से क्या कॉमन है 10x, यहाँ रह गया आपका 10x और 10 एकम 10, दोनों किस पहाड़े में आते हैं एक के में, 1 धाम 10 और 1 एकम 1। जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान क्या लेना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। सेम हुए ब्रैकेट, एक ब्रैकेट हो गया 10x-1 और दूसरा क्या हो गया, दूसरा भी यही हो गया 10x-1, दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, ठीक। एक उधर लेके काय का हो जाएगा प्लस का, 10 कहाँ जाएगा आपका बटे, एक उधर लेके आपका काय का हो गया प्लस का, 10 कहाँ जाएगा आपका बटे, ये आपके एक्स बराबर 1/10 1/10। गुणों वाली चीज कहाँ जाती है, क्योंकि भाग में जाती है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया है। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है उदाहरण 1, कोई उदाहरण आपको दे रखा किताब के अंदर, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, उदाहरण 1 में जो समस्या दे रखी है उनको हल करना, यानी कि कौन सी समस्या थी वो ये 2 समस्याएं हैं, x² - 45 + 324 = 0, दूसरी समस्या x² - 55 + 750 = 0 को गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हल कीजिए। इनको आपको ये दोनों समस्या थी, एक है आपका ये और ये, ठीक है। पहले इसी को देखते हैं, कहता गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसको हल कीजिए। तो गुणनखंड तो वैसे ही करेंगे, गुणा करें तो कितना चाहिए 324 एकम 324, कुछ नहीं आगे देखिए होगा, और जोड़े तो कितना चाहिए 45, जोड़े तो कितना चाहिए 45 चाहिए, ठीक है। तो तरीका वही, गुणा करें तो कितना चाहिए 324 और जोड़े तो कितना चाहिए 45। अब यहाँ पर क्या होता है, कितनी बड़ी संख्या सोचनी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, 324 का पहाड़ा पड़ा, 324 किस पहाड़े में आएगा, तो हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा कोशिश करते हैं छोटा करने, सरल करने की, जिससे बच्चे सीख जाए। तो किस पहाड़ में आता है जी ये, हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक, किस पहाड़ में आएगा 2 के में जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गए, 2 6 12 और 2 2 4, फिर किससे आएगा 2 से 2 8 16 2 एकम 2, किससे आएगा तो 3 से आएगा 9 हो गया क्योंकि अंकों का जोड़, 3 2 6 2 बचे 21 हो गया, 3 7 21, फिर 3 से आएगा 3 9 27, फिर 3 3 9 और 3 एकम 3। अब हम क्या करते हैं इसमें जोड़े बनाकर देखते हैं कि जिसके जोड़े बनाने के बाद गुणा करें तो 324 आ जाए। तो देखिए क्योंकि इन सबके हम गुणा करेंगे ना, 3 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 108 108 3 324, तो यही आएगा, गुणा करेंगे 324 आएगा। अब हमें देखना है कि किन पहाड़ों को मैं जोड़ूं कि 45 आ जाए, ठीक है, गुणा करेंगे तो 324 ही आना, ये तो तय है इन सबकी। तो मैंने क्या देखा, 2 2 4 4 3 12 12 3 36, तो ये हो गया और 3 3 9 ये हो गया, 36 ये हो गया, 9 ये हो गया, 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, गुणा करने पर तो 324 आना, ये बात क्लियर है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, बस ये हमने देख लिया ऊपर का जोड़ा है, लेकिन चलो 36 और 9 कितना होगा 45, तो टुकड़े हो गया आपके माइनस का 36 और माइनस का 9x, ठीक है जी। आगे के दो और पीछे के दो में से कॉमन, आगे से क्या कॉमन एक्स, यहाँ रह गया एक्स और यहाँ कितना रह गया 36, पीछे से क्या कॉमन है जी 9, यहाँ रह गया एक्स
बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान चेंज। अब नौ का पहाड़ा पढ़ो, नौ तिया 27, पांच बचेंगे 54 हो गया, नौ छिंग 54, अंदर गुणा करोगे वापस तो यही आएगा, सेम आए ब्रैकेट के अंदर वाले, ब्रैकेट के अंदर वाले क्या आ गए जी सेम, यानी कि सब कुछ ठीक है। एक हो गया एक्स माइनस 36 और दूसरा हो गया एक्स माइनस 9, दोनों ब्रैकेट किसके बराबर, जीरो के, ये भी जीरो के बराबर और इसको भी क्या कर देंगे हम जीरो के बराबर कर देंगे। 36 माइनस का है उधर ले आएंगे काय का हो गया प्लस का, और 9 माइनस का है उधर ले आएंगे काय का हो गया प्लस का, ये आपके दो मूल आपके आ गए, ठीक है। ये तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भी, सेकंड पार्ट में भी ऐसी तरह से बड़ी संख्या है, जब संख्या बड़ी होती है तो हम इसको इसी तरह से एलसीएम लेके कर लेते हैं। आगे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स और प्लस का 750, गुणा करें तो 750 से कम 750 और जोड़े तो 55, तो 750 के टुकड़े कर लेंगे। किस पहाड़े से जाएगा जी, दो से चले जाएगा, पांच से कर लो, पांच एकम पांच एक बचा, सॉरी दो बचे, पांच पंजे 25 जीरो, फिर पांच से आएगा, पांच तीय 15 जीरो, फिर किससे आएगा जी, पांच से चलेगा, पांच छिंग 30 और तीन दूनी 6 और दो एकम 2, ये आपके टुकड़े हो गए। अब हमें देखना कि गुणा करें तो 750 ही आएगा इसका, पांच पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 तिया 375 दूनी, ठीक है ये 750, लेकिन जोड़कर 55 आना चाहिए, जोड़कर 55 कैसे आएगा, पांच पंजे 25 हो गया, पांच तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 के अंदर अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी आपका 55 आएगा, पांच पंजे कितना हो गया 25 हो गया, पांच तिया 15, 15 दूनी 30, 30 और 25 55, ठीक है। तो यानी कि यही इसके गुणनखंड है, माइनस का 30x और माइनस के 25x, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो माइनस का ही रहेगा। क्या कॉमन ले लेंगे आगे से, x यहाँ रह गया x और यहाँ कितना रह गया 30 ही रह गया, x तो कॉमन चला गया, पीछे से क्या कॉमन ले लेंगे 25, यहाँ रह गया x, जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान क्या होता है चेंज, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 25 तिया 75 जीरो का जीरो, सेम आए यानी कि सब कुछ ठीक है। एक हो गया एक्स माइनस 30 और एक क्या हो गया एक्स माइनस 25, दो ब्रैकेट हमारे हो गए, मूल ज्ञात करने हैं तो दोनों को क्या रख देंगे जीरो करा लिया, तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, 30 उधर लेके गए का हो गया जी प्लस का और 25 उधर लेके भी गए का हो गया प्लस का, इस तरह से ये आपके दो मूल आ गए। तो इस तरह से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।